नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के कौड़िया गांव से हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए चल के देखते कहां पे और कौन सा सांप है। एक एक कर कटवाए नहीं टूट जाएगा, एक एक कर कटा दीजिए। ए भैया अरे कहीं नहीं भागेगा भाई, परेशान क्यों हो। बाहरे रखवा दे कुल झंखार दुआ रही मगना सिदनी ना देना तनी लगती त हम का करे खाली दे त ना दे उठवा लें दीजिए पूरा को। उठाने दीजिए अंकल, जाके करके उठाने दीजिए फिर पता चले जाएगा कहाँ पे है। दिखाइए इधर, देखिए मुझे दिखाइए। ये तो रेड स्नैक है अंकल जी, रेड स्नैक है। दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। दामन है, दामन दामिन है, बिना जहर का है। दूसरे वाले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। उसे उसे कोई दिक्कत भी नहीं रहता है, वो निकल भी सकती है क्योंकि भागने बहुत तेज होती है, वो भी सकती निकल भी सकती है। जब से दिखा था तब से कंटिन्यू आप लोग यहीं पे हैं कि कहीं गए थे। यहीं पे ना, तब होना चाहिए इसी में। वैसे उसे कोई खतरा नहीं रहता है। हाँ वो मतलब अच्छा होता है, चुहा हुआ खत्म कर देती जब ऐसे। बस इतनी सी बात, आप लोग घबरा रहे हैं, कुछ नहीं होना है। जरा भी एकदम डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नान बेने में काटेगी तो कुछ होगा भी नहीं। टच करो यार।
लेकिन कुछ भी नहीं होता, अगर कार्ड भी लगी तो कुछ नहीं होना है। ये नहीं होगा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा आप लोग सांप पकड़िए या सांप कटवाने जाइए, आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, पहचानना जरूरी है। पहले तो फसलों के लिए हेल्पफुल होते हैं। अरे उधर ही चाहिए, खेतों के पास छुड़वाइए, फिर आ जाएगा इधर सामने छोड़ेंगे तो फिर दबाना मत, प्रेस मत करना। हाँ लेकिन अपने से मत पकड़ने लगना तुम लोग कहीं से आप देख के। अरे नहीं कुछ नहीं होता, देखिए पूंछ से मार रहा हूँ इनके, देखिए देखिए काम कुछ है, देखिए पूंछ से मरवा रहे हैं आप, कह रहे हैं पूंछ से मारने में कुछ होता है। आप क्या आप क्या मरवाइए, अरे नहीं अच्छा वो भी दवा लिए आपके घर के, उनको नहीं उनको मरवाइए, आप हाथ दीजिए, आप उनके हाथ में पूरा लपेटवा दीजिए, कुछ नहीं होता है, देखिए कुछ नहीं होता, वो लोग तो आपके घर के ना। दामन सांपों को लेकर के एक मिथ काफी ज्यादा प्रचलित है कि ये किसी को भी अपने पूंछ से मार देते हैं तो वहां का स्थान गलने लगता है या फिर झड़ने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो उसी मिथ को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर मौजूद बच्चों व वयस्क लोगों के हाथों पर इस धामन सांप के पूंछ से टच करवाया, और यहाँ पे मौजूद लोगों से और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी खुद से सांपों को इस तरह से टच करने की या फिर पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि जब आप लोग बिना अनुभव के ऐसा कुछ करेंगे तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर को ख़त्म करने के लिए, जो अफवाह जो गलत बात फैली हुई उसको ख़त्म करने के लिए हमने लोगों को इसकी पूंछ से टच करवाया, इसलिए आप लोग इसको दोबारा कभी भी टच करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे टच करेंगे तो या आप खुद को या फिर सांप को हार्म भी कर सकते हैं। क्या कर लीजिए, अगर बोलिए तो आगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अभी रिलीज कर दी जाइए, आइए रिलीज कर दी, अरे कोई दिक्कत नहीं वो चला जाएगा भाई। क्योंकि धामन सांप नॉन वेनमस होते हैं, यानी कि बिना जहर के होते हैं, ये जहरीले नहीं होते, इसलिए हम लोग इसको पास के खेतों में ही रिलीज कर देंगे, थोड़ी दूर ले जाकर के खेतों में रिलीज कर देंगे, क्योंकि ये खेतों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जिस भी खेत के आसपास धामन सांप होते हैं वो चूहों को ख़त्म करते हैं, जिससे कि किसानों की फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इन्हें किसान मित्र भी कहा जाता है। तो हम लोग लेके चलते हैं इन्हीं खेतों में, थोड़ी दूर जा कर के इसे रिलीज कर देते हैं। हाँ क्या कर रही है, पास जरा सुनाएंगे तुम ना, वही पास से सुनाएंगे इसको तुम ना, कैमरे में आ पाएगा। बस इधर ही रिलीज करिए, रुक जाइए जैसे उधर जाने दी, बस के बस बस और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहे हैं, इसके लिए सबसे सही अनुकूलित वातावरण यही होता है खेतों के आसपास में खाली जगह में रहना, क्योंकि यहाँ पर इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है, और जब चूहों को अपना भोजन बना करके उन्हें ख़त्म करती हैं तो उससे किसानों की भी मदद होती है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने अनुकूलित वातावरण में चले गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मिले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।